देखो बेटे, 10th क्लास, आज हमारा टॉपिक चलेगा पीएच वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशन। इससे पहले क्या काम किया था हमने, इससे पहले हमने पीएच के ये न्यूमेरिकल कर लिए थे, 5 न्यूमेरिकल बेटे। तो आज हम जो है इससे स्टार्ट करेंगे, पीएच वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिनकी पीएच दी हुई है, जैसे सॉल्यूशन सलाइवा बिफोर मील्स, भोजन से पहले जो लार होती है बेटे उसका पीएच होता है 7.4। सलाइवा आफ्टर मील्स, भोजन के बाद में जो लार होती है, जो हमारा थूक होता है, उसकी पीएच होती है 5.8। एरिएटेड ड्रिंक जो होती हैं उनकी होती है पीएच 6। लेमन जूस की पीएच होती है 2.2। टोमेटो जूस की होती है पीएच 4.1। या आपको लर्न करने जी, ब्लड की पीएच होती है जी 7.4। ब्लड हमारा बेसिक होता है। प्योर वाटर की होती है 7। गैस्ट्रिक जूस की होती है 1.2। 0.1 mHCl की होती है 1, और 0.1 mNH की होती है 13। और बेटे जो मिल्क होता है, मिल्क की पीएच होती है 6.5 से 6.8 के बीच में। तो मिल्क कैसा है, एसिड है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है बेटे मिल्क के अंदर। तो ये सारे पीएच हमें याद करनी है जी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू पीएच रेंज। बड़े सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं पौधे और एनिमल के लिए जो पीएच होती है बेटे, बड़ी कारगर होती है, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स के लिए भी और हमारे यानी कि एनिमल्स सभी के लिए पीएच। कैसे जी, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो 7 से 7.8 के बीच में वर्क करती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो अगर आपसे पूछता है कोई एसिड रेन क्या होता है, तो जब बारिश के पानी की पीएच कितने से कम हो जाए, 5.6 है, कम हो जाए तो क्या कहलाएगा बेटे, एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। यानी कि जब जो बारिश का पानी कौन सा, एसिड रेन का, जिसकी पीएच कितनी 5.6 से कम है, कहाँ गिरता है, नदियों में गिरता है, तो क्या होता है बेटे उसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर का पीएच क्या होता है बेटे, कम हो जाता है। दिस सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। जो उसके अंदर जलीय जीव जंतु, मछली वगैरह, कछुए, जो भी जीव जंतु उसमें पानी के अंदर रहते हैं, जलीय जीव, एक्वाटिक स्पीसीज, उनके लिए थोड़ा कष्टदायक होता है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है जी इसका। तो हमने पढ़ लिया, अपने पीएच के बारे में भी पढ़ लिया, भाई हमारी बॉडी इतने पीएच के रेंज में काम करती है 7 से 7.8 के बीच में। फिर हमने पढ़ लिया अगर जो बारिश का पानी है, अगर इसका पीएच 5.6 से कम आ रहा है, तो वो उसे क्या नाम दे दिया गया, एसिड रेन नाम दिया गया। वो एसिड रेन जब नदियों में जाके मिलती है तो उसका पीएच क्या हो जाता है, नदी के पानी का पीएच कम कर देती है, जिसके अंदर जो जलीय जीव है, एक्वाटिक स्पीसीज हैं, उन्हें रहने में बड़ी दिक्कत होती है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है बेटे, सोयल पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ। प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए भी पीएच का बड़ा रोल है जी। किस पीएच में, जैसे हम जगह जगह अब हमें देखना है कि फसल कहाँ अच्छी होगी, तो बेटे हम क्या काम करेंगे, जगह जगह से सैंपल लेंगे मिट्टी का, और देखेंगे कि भाई कहाँ है पी अच्छी होगी फसल। तो जहां भी लगभग 7 के करीब में पीएच हो, 7 के आसपास अगर जहां जिस मिट्टी की पीएच है, तो वहां फसल अच्छी उगती है। तो बड़ी सेंसिटिव है, संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है पीएच जी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। हेल्थी ग्रोथ के लिए जो है भाई, इसकी भी क्या, जैसे ह्यूमन बॉडी की 7 से 7.8 होती है पीएच हेल्थी रहने के लिए, तो ऐसी किसकी होती है, ऐसी प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए भी भाई एक रेंज होती है पीएच की। ठीक है, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सोयल फ्रॉम वेरियस प्लेस
मैंने बताया था आपको जगह जगह के स्थानों से हम मिट्टी ले लेंगे जी, उससे तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा। चेक द पीएच एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ए हेल्थी ग्रोथ व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। मतलब कहने का मतलब ये है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि भाई जो पीएच है ना वो पेड़ के प्लांट्स की यानी कि ग्रोथ के लिए भी बड़ी जिम्मेदार होती है। भाई कैसी मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करें। तो कुल मिला के जो हमने इसका कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि भाई जगह जगह से मिट्टी इकट्ठी कर लेंगे, देख लेंगे जिस मिट्टी की पीएच 7 के लगभग करीब होगी वो मिट्टी फसल के लिए अच्छी होगी, हेल्थी होगी, फसल ग्रोथ करेगी, बढ़िया होगा बिल्कुल। ठीक है बेटे, नंबर 3 देखो। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके भी पीएच बड़ा रोल प्ले करती है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इसका। देखो आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमारा जो पेट से बेटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे पेट में HCl, जो क्या है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए क्या होता है लाभदायक होता है। और अगर इसकी ज्यादा मात्रा हो जाए ना शरीर के अंदर तो वो भी दिक्कत करता है, कहते हैं ना हम लोग एसिडिटी बन रही है। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए HCl का बनना जरूरी है शरीर में, लेकिन अगर आवश्यकता से ज्यादा बनने लगेगा ना तो वो फिर हमारे दिक्कत कर देगा जी। तो आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, पेट को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना ही ये HCl जो पेट के अंदर बनता है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बढ़िया होता है, पाचन क्रिया के लिए। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जैसे कहीं कभी इनडाइजेशन का सिस्टम हो जाए, कभी ज्यादा खा लें या गंद तली हुई चीज ज्यादा खा लें या कुछ गलत चीजें खा लें तो हमारा इनडाइजेशन हो जावे, द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, तो ज्यादा एसिड बनना शुरू हो जाए पेट के अंदर, एंड दिस कॉसेस पेन, जिसके कारण क्या हो जाएगा पेन उत्पन्न हो जाएगा एंड इरिटेशन, और बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा और बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से आराम पाने के लिए क्या करेंगे प्यूपिल यूज बेसिस, आदमी किसका यूज करेंगे प्यूपिल बेस का यूज करेंगे, कैसे बेस का, उस बेस को क्या कहा गया एंटा एसिड, बेटे एसिड की मात्रा को अगर खत्म करना हो तो क्या मिला दो बेस मिला दो, वो उसे क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या मिला देंगे, तो जैसे हम फिर जैसे कि एसिड अगर ज्यादा बन रहा है पेट के अंदर, एसिड ज्यादा बन रहा है तो उससे राहत पाने के लिए क्या करेंगे हम बेटे दवाई लेंगे, वो कैसी होगी बेस होगा, उसको क्या बोल लेंगे एंटा एसिड। तो एंटा एसिड कौन कौन से होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका सूत्र है फॉर्मूला है MgOH2, केमिकल नेम इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, दीज एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक है बेटे, ये एसिड की बड़ी हुई मात्रा को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे फिर समझ लें एक बार। बेटे होता क्या है, हमारे पेट के अंदर जो है डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए एसिड बनता है HCl, कौन सा एसिड बनता है HCl, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है। कई बार हम तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ अनाप शनाप कुछ चीज़ें खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं तो उनसे क्या होता है हमारे स्टोमक में ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिससे हमें बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, हमारा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसको आराम पाने के लिए उसमें हम दवाई का यूज करते हैं। तो जब एसिड बन रहा है तो एसिड को खत्म किया जाओगा बेस से, न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको। तो हम जो दवाई यूज करते हैं उस एसिड को खत्म करने के लिए उसको बोलते हैं बेटे एंटा एसिड, और वो देसी इलाज क्या है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 और बेकिंग सोडा NaHCO3 और बेकिंग सोडा। तो बेटे ये एसिड की ज्यादा मात्रा को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है बस बेटे, तक आप करेंगे जी, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।